सिंपली आलू का सूखा बनाने जा रहे हैं भाजी, जिसमें मसाला लिए हैं लहसुन अदरक हरी मिर्ची टमाटर और प्याज। ये सूखा बनाएंगे, ये लटपट रहेगा, इसमें तरी नहीं डालेंगे। इसको बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट क्रश कर लिया है, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर प्याज पीसेंगे। इसमें टमाटर पहले पीस लेंगे। टमाटर पीस गया है, इसको निकाल लेंगे। अब इसको प्याज पीस लेंगे इसी में। देखिए प्याज भी क्रश कर लिए, सबको पीस लिए। अब बनाने जा रहे हैं सेम की सब बनाएंगे, जिसमें कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें तेल डाल दें हम। तेल गरम हो गया है, इसमें हींग डालेंगे, पचफोरन डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं। मैं अभी लहसुन अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। ये आलू जो है, दो आलू कटे हैं वो डाल दो, बॉयल आलू आप कच्चा भी डाल सकते हैं। थोड़ी हल्दी, थोड़ी कश्मीरी मिर्च और कोई ज्यादा मसाला हम नहीं डाल रहे हैं इसमें। सूखा मसाला लास्ट में, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, नमक। ऐसे मूंगफली काट के रखे धो के, अभी इसको इसमें डाल देंगे। ढक के पकने देंगे थोड़ा देर, छोटे आंच पर रख देंगे। इन पर सेम आलू बन गया है, आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बना है। ज्यादा मसाला भी इसमें नहीं हम डाले। बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। बहुत ही मस्त बना है, आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।